भैया हनी चिली पोटैटो मैंने सुना तो था लेकिन हनी कभी डलते हुए देखा। भाई ये आ गए हमारे हनी चिली पोटैटोस। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं दशरथपुरी दिल्ली में, दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के पास, और यहाँ पर एक फूड कार्ट लगती है जिसका नाम है डिंग डॉग। भाई इनके मोमोज और इनकी चिली पोटैटो तो ज़बरदस्त होती है, और सबसे बड़ी बात है ये अपने इस फूड के लिए पूरे एक हफ्ता वेट कराते हैं क्योंकि इनका ये मेन्यू ट्यूसडे स्पेशल है। बहुत ही यूनिक कहानी है इनकी। आइए आपको भैया से मिलाते हैं, पूरी प्रोसेस दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया, आपका नाम? सिकंदर। सिकंदर भैया, भाई पहले तो मेरे से आप वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन ले लीजिए। मुझे आपकी इस डिंग डोंग कार्ट को ढूंढने में ना बिल्कुल भी मशक्कत नहीं करनी पड़ी, लोगों ने खुद मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। शुक्रिया जी इसके लिए। तो सिकंदर भैया, ऐसा क्या स्पेशल है जो भाई आसपास के लोग आपको इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं? सर मेरा टेस्ट है जी, दूसरा मेरे कस्टमर से बात करने का, कस्टमर्स के साथ कैसा व्यवहार, फ्रेंडली व्यवहार करना जी, क्योंकि कस्टमर ही मेरे लिए मोटिव है। तो सिकंदर भैया, भाई मुझे छोटी सी आपसे एक शिकायत है। हाँ जी, मुझे सब लोगों ने बताया कि ये अपने खाने के लिए ना पूरा एक हफ्ता इंतज़ार कराते हैं और सिर्फ ट्यूसडे को खिलाते हैं। भैया ऐसी क्या बात है? सर एक्चुअली ये है कि ट्यूसडे हमारा पूरा 100% बैच होता है, क्योंकि हम बाकी दिनों में नॉनवेज भी सर्व करते हैं। अच्छा, तो भाई वेजिटेरियन लोगों को पूरी तरह से इंटीग्रिटी के साथ वेजिटेरियन फूड खिलाने के लिए भैया सिर्फ वेजिटेरियन मेन्यू लगाते हैं ओनली ट्यूसडे, बाकी दिन नॉनवेज सर्व होता है। नॉनवेज भी होता है, वेज भी होता है, बट मैं रेफर नहीं करता कि ट्यूसडे ही रेफर करता हूँ कि 100% वेज मिलता है मेरे पास। क्या बात है। तो सिकंदर भैया, सबसे पहले तो ये बताओ ये इतना यूनिक डिंग डोंग ये नाम कहाँ से माइंड में आया? सर मैंने सोचा समझा कि लोगों के माइंड में रहे, टेस्ट भी रहे और नाम भी रहे। भाई मुझे ऐसा लग रहा है आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, म्यूजिक से आपको प्यार है, इसलिए शायद आपने ऐसा नाम रखा है। नहीं सर बस, हाँ बट सोच सकते हैं ऐसा, मतलब डांस करते हैं। हाँ क्या बात है भाई, बड़े ही खुशदिल आदमी हैं, हंस के मुस्कुरा के ये अपने जायकों से ना लोगों को ठग रहे हैं, मैं यही कहूँगा ठग रहे हैं, क्योंकि जो इनके पास एक बार आ जाता है ना दोबारा कहीं नहीं जाता। तो सिकंदर भैया अब जादू देखते हैं आपके शेफ का, आपके वोक पे और पैन पे। यस सर, हम आ जाए हैं सिकंदर भैया के पास इनका हनी चिली पोटैटो और कुरकुरे पनीर मोमोज खाने। भाई वो दो ऐसी चीज़ें हैं जो ये कहते हैं कि भाई मेरे से अच्छी कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं खिला सकता, तो देखते हैं क्या ये अपने इस टेस्ट पैरामीटर पे खड़े उतरेंगे। सिकंदर भैया अपने शेफ से भी मुझे इंट्रोड्यूस करा दीजिए। यस, जैसे कि जानते हैं दोनों दो शेफ है मेरे पास जी, नेपाल से बिलोंग करते हैं, ये सचिन है जी जो भी नेपाल से बिलोंग करता है, और जो दूसरा मेरे पे शेफ है ये नेपाल से बिलोंग करता है लेकिन थाईलैंड में वर्क करके आ चुके हैं, किसी कारण से अब जा नहीं रहे हैं तो मेरे पास काम कर रहे हैं। क्या बात है भाई, नेपाल थाईलैंड इंडिया ऑल इन वन फ्रेम। यस सर, क्या बात है। तो सिकंदर भैया अब हमारे लिए लगवाइए अपनी वही दो डेलिकेसीज जिसकी मैंने भाई यहाँ पे बहुत धूम सुनी है, हनी चिली पोटैटो और पनीर कुरकुरे मोमोज। यस सर, डिंग डोंग कार्ट का ना ये मेन्यू बहुत एक्सटेंसिव है और प्राइसिंग बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। तो भाई ये हमारे सचिन भैया, ये इधर मिलन जी, और ये खुद सिकंदर भैया, इनके डायरेक्शन में दो शेफ बना के एक डिश बनाते हैं। ये इधर हमारी फ्राइज फ्राई हो गई और इधर भैया ने शुरू कर दिया है ये चाइनीज सॉस बनाना। भैया थोड़ा प्रोसेस बताते जाइए क्या क्या जा रहा है। सर सबसे पहले एक कढ़ाई लिया, फायर पैन लेके उसमें तेल डाला, क्योंकि तेल हम सोयाबीन का ऑयल यूज़ करते हैं, फॉर्चून यूज़ करते हैं। हाँ जी, सोयाबीन ऑयल यूज़ करते हैं जिसके लिए हार्डी सही रहे। स्ट्रीट फूड में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि स्ट्रीट फूड में अच्छा ऑयल नहीं मिलता है, अच्छा नहीं, लाइव किचन मिलता है जो आप देखते हैं कि क्या बन रहा है क्या नहीं है, और लाइव किचन है तो कुछ भी हिडन नहीं है, सब कुछ आपकी आँखों के सामने बन रहा है, फटाफट बन रहा है। और ये आ गई वो मैजिकल चाइनीज सॉस, इसमें कुछ स्पाइसेस गए हैं, कुछ सॉसेस गई हैं, विनेगर गया है, सोया गया है और कुछ केचप गया है, फ्राइज अलग से फ्राई करके रखे हैं, और ये तैयार हो रही है सॉस। भाई बिल्कुल हाइजीनिक काम है, साफ़ सुथरा काम है, कार्ट बहुत ही सुंदर डेकोरेट की हुई है। हनी चिली पोटैटो है तो हनी एसेंशियल है, और ये भैया डाल रहे हैं इसमें हनी। क्या बात है भैया, हनी चिली पोटैटो मैंने सुना तो था लेकिन हनी कभी डलते हुए देखा नहीं था, तो अब यहाँ देखने को लग रहा है कि वाकई आप हनी डाल के हनी चिली पोटैटो बनाते हैं।
ये भैया ने फ्राइज डाल दी सॉस में और भाई अब ये अच्छी तरह से इस पोटैटो फ्राइज के साथ लिपट जाएगा और हमारा बन जाएगा हनी चिली पोटैटो। तब तक सचिन भैया ले आए हैं ये कुरकुरे पनीर मोमोज फ्राई करने के लिए। भैया बहुत सारे मोमोज डाल दिए। भैया ये एक प्लेट का पोर्शन है, क्या बात है भाई, एक फुल मील होने वाली है। भाई ये हो गई प्लेटिंग हमारी हनी चिली पोटैटोज की, क्या बात है। और ये सीजनिंग के लिए डाल दिए ऊपर से भैया ने सफेद तिल। भाई दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों शेफ एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस डिश की प्लेटिंग में। भाई ये आ गए हमारे हनी चिली पोटैटोज। तो ये हमारे पनीर कुरकुरे मोमोज हो गए रेडी प्लेटिंग के लिए। ये हमारे पनीर कुरकुरे मोमोज रेडी हो गए आगे प्लेट में। भैया एक प्लेट में कितने पीसीस हैं? 10 पीस आते हैं एक प्लेट में। ऊपर से सीजन कर दिया भैया ने थोड़ा सा चाट मसाला। और ये आ गई हमारी मोमोज की प्लेट। ये आ गई हमारी डिंग डोंग कार्ट की दो डिशेस, एक है पनीर कुरकुरे मोमोज, दूसरा है हनी चिली पोटैटो। ये है डिंग, ये है डोंग। सबसे पहले ट्राई करेंगे इनका हनी चिली पोटैटो। मैं दो फ्राइज लूंगा एंड हियर इज द बाइट। सुपर्ब। भाई जो इस डिश का नाम है ना हनी चिली पोटैटो, आप तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से अपने पैलेट पे फील कर सकते हैं। पोटैटो तो है ही, हनी और चिली का इतना बैलेंस टेस्ट है कि इस डिश का ना एलिवेशन एक नेक्स्ट लेवल पे है। हनी चिली पोटैटो एक ऐसी डिश है जो हम बड़ों को रोज़ खाने को नहीं मिलती। ये बच्चे ज़्यादा रिलिश करते हैं, बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, या बच्चे ही इस फूड आर्टिकल को प्रमोट भी करते हैं। तो भाई आपको ना ये डिश अगर अपने बच्चों को खिलानी है ना तो ये वाली कार्ड मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अब आते हैं इनके मोमोज पे। पहले तो मोमोज का साइज़ देखिए, इट्स ऑलमोस्ट द साइज ऑफ माई पाम। और हम इसे लेंगे ग्रीन चटनी के साथ एंड हियर इज द बाइट। भाई सिकंदर भैया जो कह रहे थे ना ये वाला मोमोज का टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा, उसका राज खुल गया। एक्चुअली उन्होंने पूरी पनीर भुर्जी बना के ना इस मोमो में स्टफ की हुई है बहुत सारी वेजीज के साथ, और भुर्जी बहुत बढ़िया बनी है। और इस मोमोज की पॉकेट में फिल होने के बाद, अच्छी तरह से फ्राई होने के, और ये कुरकुरे कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स के बाद ना ये एक ज़बरदस्त टेस्ट दे रही है। ये एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मील है। हम इस मील को फिनिश करते हैं और वापस आपको मिलाते हैं सिकंदर भैया से। सिकंदर भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमने खाए आपके हनी चिली पोटैटो और पनीर कुरकुरे मोमोज, भाई लाजवाब थे। और जो आप कह रहे थे ना कि चैलेंज कर रहा हूँ कहीं अच्छा नहीं मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ आपको ट्रस्ट है अपने खाने पे कि आप क्या सेल कर रहे हैं। यस सर। और भैया मैं देख रहा था पोर्शन साइज भी बहुत लार्ज है, तो पूरा फैमिली साइज ही बनाते हो या हाफ पोर्शंस भी है? सर हाफ भी है। हाफ पोर्शंस भी मिल जाएंगे भाई। फुल प्लेट अगर आप दो तीन लोग हैं तभी किसी भी डिश की लेना, क्योंकि पोर्शन साइज बहुत लार्ज है। बड़े बड़े मोमोज हैं और वो भी एक प्लेट में 10 दिए जा रहे हैं। और कितने रुपीज़ की प्लेट थी वो? सर ये है 120 रुपए की 10 पीस आती है, जिसमें कि पनीर कुरकुरे मोमोज जी। और हनी चिली पोटैटो? हनी चिली पोटैटो है 100 रुपीज़। तो मेरा वो फुल पोर्शन था या हाफ पोर्शन था? सर वो मैंने आपको हाफ ही पोर्शन दिया, हाफ पोर्शन था। तो भाई हाफ पोर्शन भी ना दो लोगों के लिए काफ़ी है, इतना लार्जर साइज पोर्शन भैया बनाते हैं। तो सिकंदर भैया अगर हमारे व्यूअर्स को ये सब खाने आना है तो सबसे पहले अपनी लोकेशन प्लीज बताइए। सर ये सामने दशरथपुरी का गेट नंबर 3 है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में ही हमारी कार्ड लगती है, क्योंकि टाइमिंग है इसकी 5 बजे से रात के 10:30 बजे। तो भाई 5 बजे से 10:30 बजे तक ट्यूजडे स्पेशल वेज मेन्यू और बाकी दिन नॉन वेज। यस। कोई छुट्टी भी होती है? सर वैसे छुट्टी होती है लेकिन अभी कोई छुट्टी नहीं कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर चाहिए जी। तो भाई नया नया काम है, इसे सपोर्ट करिए। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ अगर आपको खाना है बहुत ही बढ़िया चाइनीज़ फूड या बहुत ही बढ़िया मोमोज और हनी चिली पोटैटो, आप आ जाइए डिंग डोंग कार्ट पे किसी भी दिन शाम को 5:30 बजे के बाद। और वेजिटेरियन मेन्यू के लिए ट्यूसडे को आप एक ऐसा टेस्ट लेके जाएंगे ना जो आप बहुत लंबे टाइम तक रिलिश करेंगे, आप भूल नहीं पाएंगे इस बात। एंजॉय।